This segment is brought to you by Suzuki Mega Carry ke saath. Bharte jao aur badhte jao. Take a break to know what's going on around the world. It's time for DW News headlines on FM 100. Assalamualaikum Pakistan. Across the nation. This is FM 100 Network. DW World News के साथ मैं हूं आसिम सलीम, बीजिंग। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने शी जिनपिंग को दूसरी मुद्दत के लिए भी सदर चुन लिया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक कांग्रेस के सभी 2,970 अफराद ने शी के हक में वोट दिया। गुज़श्ता इतवार के दिन चीनी कांग्रेस ने सदर और नायब सदर के ओहदे की मुद्दत खत्म करने का कानून मंजूर किया था, इसलिए अब शी जिनपिंग ताहयात चीनी सदर रह सकते हैं। इसके अलावा शी के इंतहाई करीबी साथी वांग चीशान को ताहयात नायब सदर बना दिया गया है। मॉस्को हुकूमत ने 23 बरतानवी सिफारतकारों को मुल्क बदल करने का हुक्म जारी कर दिया है। साथ ही कहा गया है कि लंदन हुकूमत की तरफ से जारहाना इकदाम की वजह से रूस में ब्रिटिश काउंसिल की तमाम सरगर्मियों को भी रोक दिया गया है। साबिक रूसी डबल एजेंट और उनकी बेटी पर बरतानिया में हुए केमिकल हमले के बायस दोनों ममालिक के माबेन कशीदगी और लफ्जी जंग में शिद्दत आती जा रही है। कबल अज़ीं बरतानवी वजीर आजम ने भी 23 रूसी सिफारतकारों को बरतानिया से बेदखल कर दिया था। पेरिस। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि यूरो जोन को मुस्तहकम बनाने के लिए इसमें इस्लाहात जरूरी हैं। उन्होंने जुमे के दिन पेरिस में फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों से मुलाकात के बाद कहा कि अगर यूरोपीय ममालिक मुत्तहिद रहें तो वो नाकाबिले शिकस्त बन जाएंगे। इस मौके पर मैक्रों ने कहा कि वो जून में होने वाली यूरोपीय यूनियन की समिट से कबल इस्लाहाती मनसूबा जात को हतमी शक्ल देना चाहते हैं। मर्केल और मैक्रों ने मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर के अलावा आलमी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। ये DW का न्यूज बुलेटिन है। जनीन फलस्तीन। मगरबी किनारे के फलस्तीनी इलाके में एक फलस्तीनी शख्स ने इसराइली फौजियों पर गाड़ी चढ़ा दी। इसराइली फौज के मुताबिक इस हमले में दो इसराइली फौजी हलाक जबकि दीगर दो जख्मी हो गए हैं। ये वाकया आज बरोज हफ्ता मगरबी किनारे के फलस्तीनी शहर जनीन में पेश आया। मकबूजा इलाकों में इस तरह के वाकयात माजी में भी रोनुमा होते रहे हैं। बैरूत। शामी इलाके मशरकी गोता और अफरीन में जारी फौजी कार्रवाइयों में शिद्दत के नतीजे में हजारों अफराद महफूज इलाकों में मुंतकिल हो गए हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक मशरकी गोता में फंसे 2400 से जायद शहरियों का इनखला मुमकिन हो चुका है जबकि अफरीन से 15,000 अफराद को निकाला जा चुका है। दूसरी तरफ मशरकी गोता में रूसी बमबारी के नतीजे में गुज़श्ता रोज 80 शहरी मारे गए। फरवरी के वस्त में शुरू होने वाली इन कार्रवाइयों में अब तक 1350 अफराद हलाक हो चुके हैं जबकि 400,000 नफूस अभी तक मशरकी गोता में फंसे हुए हैं। मॉस्को। क्रेमलिन ने उन बरतानवी इल्जामात को धचके का बायस और नाकाबिले माफी करार दिया है जिसमें कहा गया था कि साबिक रूसी जासूस और उनकी बेटी पर हमले का हुक्म सदर व्लादिमीर पुतिन ने दिया था। गुज़श्ता रोज बरतानवी वजीर खारजा बोरिस जॉनसन ने यह इल्जाम आयद किया था जिस पर मॉस्को हुकूमत की तरफ से शदीद रद्द अमल जाहिर किया गया है। ये तनाजा लंदन और मॉस्को हुकूमतों के माबेन कशीदगी का बायस बन चुका है जबकि जर्मनी और अमरीका समेत दीगर इत्तेहादी ममालिक ने बरतानिया के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। ब्रैटिस्लावा। स्लोवाकिया के दारुल हुकूमत ब्रैटिस्लावा और दीगर शहरों में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। इन मुजाहिरीन ने मकतूल सहाफी जान कौशक के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए कहा कि मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। 27 साल कौशक और उनकी मंगेतर को गुज़श्ता माह ही उनके घर में गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था। तहकीकाती सहाफी कौशक आला हुकूमती ऐवानों में बदउनवानी और मुल्की सियासतदानों और माफिया ग्रोहों के माबैन मुबैना ताल्लुकात पर काम कर रहे थे। इस पेशरफ्त के नतीजे में वज़ीर आज़म रॉबर्ट फीको इस्तीफा भी दे चुके हैं। फुटबॉल। फुटबॉल के मुंतजम आलमी इदारे फीफा ने तस्दीक कर दी है कि रवां बरस रूस में मुनाक़िद किए जा रहे आलमी कप में वीडियो असिस्टेंट रेफरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी की मदद से पेनल्टी किक दिए जाने और रेड कार्ड दिखाए जाने के फैसलों में वीडियो फुटेज से मदद हासिल की जाएगी। मजीद खबरों के लिए DW.com/urdu। You were listening to DW News on FM 100 Pakistan.